हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, शनिवार के दिन या शनि जयंती के दिन दोस्तों काले कुत्ते को, जी हाँ दोस्तों, काले कुत्ते को आप एक चीज खिलाते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। शनि महाराज की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव रह सकती है, यानी कि आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं। तो दोस्तों, शनिवार के दिन या शनि जयंती के दिन ये काम अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है और इस बार ये शुभ तिथि 30 मई दिन सोमवार को है। शनिदेव को न्यायप्रिय कर्म फलदाता माना जाता है। जिस पर शनिदेव की कृपा हो जाए वह रंग से राजा बन जाता है और जिससे शनिदेव नाराज हो जाए तो वह राजा से रंग बन जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शनि दोष से मुक्ति के लिए शनि जयंती से अच्छा दिन नहीं हो सकता है। इस दिन किए जाने वाले उपाय में से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा भक्तों पर बरसाते हैं। तो दोस्तों, शनि दोष से मुक्ति के लिए शनि जयंती के दिन शनि देव की पूजा अर्चना और दान करें। शनि देव गरीब और जरूरतमंद लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए शनि जयंती के दिन ऐसे लोगों की मदद करें। तो दोस्तों, शनि जयंती के दिन शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें, इससे शनि भगवान खुश होकर मनचाहे वरदान दे देते हैं। और दोस्तों, शनि जयंती के दिन, जी हाँ दोस्तों, शनिवार या शनि जयंती के दिन आप काले कुत्ते को एक चीज खिलाते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ऐसी कौन सी एक चीज है जो काले कुत्ते से खाने से आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, शनिदेव को करना है खुश तो काले कुत्ते को खिलाए ये एक चीज, ऐसी मिलेगी सफलता। शनिदेव को प्रसन्न के लिए शनिवार के दिन या शनि जयंती के दिन काले कुत्ते को देखकर ये काम करने मात्र से ही आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, बड़े से बड़े कष्टों से मुक्ति पाने के लिए शनिदेव की पूजा करना काफी असरदार साबित होता है। शनिदेव अगर आपकी पूजा से खुश हो जाते हैं तो प्रसन्न होकर आपके जीवन में खुशियों से भर देते हैं। जिस व्यक्ति पर शनि की गलत दृष्टि पड़ जाए उसका जीवन परेशानी से भरा रहता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन या शनि जयंती के दिन काले कुत्ते को देखकर ये काम करने मात्र से ही आपका जीवन बदल सकता है। मान्यता के अनुसार शनिदेव को भाग्य चमकाने वाले देवता माना जाता है। शनिदेव को उन देवों में से माना जाता है जो एक बार किसी पर मेहरबान हो जाए तो उसके जीवन में तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, शनिवार के दिन या शनि जयंती के दिन काले कुत्ते को देखना ही बहुत ही शुभ माना जाता है। वही काला कुत्ता देखने बाद अगर ये छोटा सा उपाय कर दिया जाए तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। काले कुत्ते को शनि देव की सवारी माना जाता है शनिवार के दिन। जी हाँ दोस्तों, शनिवार के दिन या शनि जयंती के दिन काले कुत्ते को बस देखने मात्र से ही आपके सभी रुके कार्य पूरे हो सकते हैं। अगर काले कुत्ते को देखने के बाद उसे घी की रोटी खिला दी जाए तो स्वयं शनिदेव आपकी सहायता करने आते हैं और आपका जीवन खुशियों से भर देते हैं। शनिवार के दिन या शनि जयंती के दिन अगर काले कुत्ते को सरसों के तेल से बना कुछ खिला दिया जाए तो इस उपाय से शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं। काले कुत्ते को शनिदेव से अलावा काल भैरव की सवारी भी माना जाता है, इसलिए काले कुत्ते को रोटी खिलाने से बड़ी विपत्तियों को टाला जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में काले कुत्ते को रोटी खिलाने से काल सर्प दोष जैसे भयानक और पीड़ा देने वाले दोषों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, काला कुत्ता घर में पालने से शनि और केतु की शुभ दृष्टि आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और साथ ही शनि की साढ़े साथी के दुष्प्रभाव पर रोक लगा सकती है। जी हाँ दोस्तों, शनिवार के दिन या शनि जयंती के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाने से प्रेत बाधा से भी मुक्ति पाई जा सकती है। नकारात्मक शक्तियाँ आपके ऊपर बेअसर हो जाती है।
तो दोस्तों शनिवार के दिन या शनि जयंती के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका कर्जा बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है और आपके कार्य क्षेत्र में लगातार सफलता आनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों बहुत जरूरी है शनिवार के दिन और शनि जयंती के दिन आप काले कुत्ते को तेल से बनी चुपड़ी रोटी खिलाने से आपकी सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो दोस्तों देर किस बात की, इस दिन आप ये कार्य अवश्य करें, इससे शनि भगवान खुश होकर आपको मनचाहे वरदान दे सकते हैं। तो दोस्तों ये कार्य अवश्य करना। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम शनि शनिश्चराय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।